मैम वो बहुत मार पिटाई कर रही है सपना और अन्नू। व्हाट? जल्दी चलो। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? रुको, डोंट फाइट। मैं प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगी तुम लोगों को। लिसन, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर बना हूं तो मैं क्या करूं? खेलो तुम्हारे साथ, चल भाग यहां से। एक काम करते हैं, सब कुछ ना प्रिपेयर कर लेते हैं, मैं आती होंगी। तू एक बात बता, केक लेके आया? क्या लेके आया कि नहीं? जल्दी लेके आ, मैं भी हेल्प कराती हूं। ये लो ये बात लगा देना। ओए सुनो, मैम आ रही है, पैरों की आवाज आ रही है। एक काम करो, जल्दी हट जाओ। सेलिब्रेट कर लेते हैं।
हाँ चलो केक लेके चलो जल्दी। यार देखना मैम कितनी सुंदर लग रही है ना, मैम की स्किन कितनी ग्लो करती है और मैम के हाथ तो देख एकदम मक्खन की तरह चिकने लग रहे हैं और मैम की कमर तो देख कितनी शेप में है। मैं ना मैम के लिए लेटर लिखने जा रही हूँ, उसमें ये सारा कुछ लिख दूंगी। लपीत दे मैं भी लिखती हूँ। हाँ तू भी लिख ले। क्या हुआ बच्चों? मैम आज हमने आपको टीचर्स डे विश करने के लिए आपके लिए एक लेटर लिखा है। वेरी नाइस, सुनाओ सुनाओ क्या लिखा है। पहले तू सुना। मैम आप कितने सुंदर हो, आपके हैंड्स कितने मलाई की तरह स्मूथ है, आपकी कमर कितनी शेप में है, आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है। इडियट। ओएमजी आजकल के बच्चों को हो क्या गया, इतनी चीप बातें करते हैं। शट अप, मुझे पता है तुमने भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना। नो नो मैम, आप टीचर्स डे पे हमारी टीचर बनी हो तो हम आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी हम अपनी रियल टीचर की करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। वेरी गुड, सीखो कुछ इससे, निकलो यहाँ से। जाओ बेटा। लग रहे हो बच्चों, तुम लोग को जो करना है कर लो, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। हाँ तो दीदी हमें भी आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने भी मुझे ऐसे ही बोल के छोड़ दिया था। क्या हो गया है मैं आपको? दीदी आपको क्या हुआ है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर आपको जाना है तो जाओ ना। दीदी क्लास में ना बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, जब से आप आए ना तब से बस रोए जा रहे हो। हम ना मैम को बोल के अपनी टीचर रिप्लेस करा देंगे। उसने भी मुझे टॉक्सिक बोल के छोड़ दिया था। उसने भी मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दिया था। मैम आज कुछ पढ़ा दीजिए ना, हमने सुबह से कुछ ही नहीं पढ़ा। ओह माय गॉड, टीचर्स डे पे कौन पढ़ता है यार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लड़कियां? वैसे भी लड़कियों में तो दिमाग कम ही होता है, क्या करोगी पढ़ के? ये देख मैम को चमगादड़ सी बन के आ गई हैं। ओफो बॉयज इतनी लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब लड़के थोड़े से वायलेंट होते हैं बट स्कूल में नहीं। आ देखना मैम कैसे लड़कों में घुसी पड़ी हैं, कैसे ई करके बातें कर रही है। वैसे मैडम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, वो एक्चुअली मुझे मेकअप करने का शौक तो नहीं है बट मैंने आज बिल्कुल थोड़ा सा किया था, यू नो टीचर्स डे के लिए। मैंने ज्यादा नहीं किया, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है, नेचुरल ब्यूटी यू नो। मैम की सुंदरता तो मैं अभी निकालती हूँ, वेट एंड वॉच। Oops, sorry ma'am, वो गलती से हो गया। Girls,
टीचर्स डे सेलिब्रेट करना कि नहीं करना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बड़ी प्यारी लग रही हो तुम तो। थैंक यू मैम। अच्छा घूम के दिखाना जरा। बैकलेस, आजकल की लड़कियों को तो शर्म ही नहीं आती जरा सी भी। चलो जाओ यहाँ से। अरे बाजुए कहाँ है, ये भी क्यों पहना है? बेशरम, बिल्कुल बेशरम हो गया आजकल। चलो जाओ। ये क्या इतना सारा पेट दिखा रही हो, ढंग से नहीं पहन सकती थी साड़ी? और ये इतनी कलरफुल साड़ी क्यों पहन के आई हो? मेकअप देखो जरा। चलो, बड़ी अच्छी लग रही हो, इतनी लंबी कैसे हो गई हो तुम? अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। अरे जल्दी आओ, तो मुझे स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा। लगता हो तुम लोग ठीक ही रहे हो, लेकिन ये चाचा नेहरू क्यों बन के आ गए हो भाई? चलो ठीक है। वो देख 12th वाली दीदी आ गई। हाय, वो पिंक कलर की साड़ी में दीदी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ यार सुंदर तो लग रही है, पर नहीं मुझे ना वो दूसरे वाली दीदी अच्छी लग रही है। देख वो देख कितनी एलिगेंट लग रही है ना कलरफुल साड़ी में। हाँ सही बोल रही है, मैं जब 12th क्लास में आऊंगी ना तो मैं भी सेम ऐसा ही पहनूंगी। हाँ मैं भी पता है ऐसे डीप नेक बैकलेस और सैटिन वाली साड़ी और हील्स भी पहन के आऊंगी। तो चाहे जितनी मर्जी हील पहन के आ जाए, लगेगी तो टिंगो ही, समझ आई? चुटकी गएगी। वो छोड़ यार, वो देखना, वो दीदी तो बिल्कुल नंगी बन के आ गई है यार। देखना देखना पूरी कमर दिखा रही है अपनी। कहाँ यार, इतनी सुंदर तो लग रही है, मुझे तो बहुत प्रिटी लग रही है। चलना मिल के आते हैं ना एक बार, प्लीज चलना। अबे वो तो पागल है क्या? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी किसी से भी मिलने, पागल सी बोल रही है जाने के लिए। और वो देख ना, वो नीति दीदी को देख, ऐसा लग रहा है कि शादी में जा रही है तैयार होके। इतनी भी बुरी नहीं लग रही है, लेकिन वो स्नेहा दीदी को देखना, वो कितनी प्रिटी लग रही है। प्लीज चलना मिल के आते हैं प्लीज। हाय तो बोल के आते हैं, एटलीस्ट उनको बोल देते कि दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हो। वो ना हमारी क्लास में आने वाली है, मैं नहीं जाने वाली वहाँ पे, चुपचाप चल रहे मेरे साथ क्लास में। मैडम भी आने वाली हूँ, क्लास टीचर हमारी, समझ आई? हमारे क्लास में आएंगे तो सही है ना, हमें अटेंशन देंगी। आना यार सच में कितनी प्रिटी लग रही है दीदी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेशन में जरूर बता देना। और यार टीचर्स डे आने वाले हैं, आपने अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लिए या फिर नहीं लिए अभी तक? और अगर आप 12th क्लास में हो तो अपने लिए साड़ी ब्लाउज सब कुछ सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? तो बस फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, हैप्पी टीचर्स डे।